मीडिया फाउंडेशन की ओर से आज इस विशाल कक्ष में जो भारतीय युवा संसद का आयोजन किया गया है और इस युवा संसद का यह उद्घाटन सत्र है और उद्घाटन सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में अपने बीच उपस्थित थे माननीय दत्तात्रेय जी उस बोले जिनके ऊपर सब सब कार्यवाह का दायित्व है, साथ ही साथ आज मंच में मंचस्थ भारतीय युवा संसद के सम्मानीय सम्मानीय संयोजक अपने जोशी जी मंच संचालन कर रहे अपने प्रोफेसर जैन सिंह जी आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित सभी महानुभावगण भाइयों एवं बहनों प्रेस मीडिया के साथियों आप सब जानते हैं और बहुत सारे विषयों का उल्लेख अपने दत्तात्रेय जी की ओर से बड़े विस्तृत रूप से लोकतंत्र के संदर्भ में और लोकतंत्र में उत्पन्न होने वाले संघर्ष के साथ साथ उसमें हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं उसका निराकरण कैसे कर सकते हैं इन सारे विषयों के संदर्भ में बहुत विस्तृत रूप से इस उद्घाटन सत्र में इन्होंने विषय प्रवेश कराने का प्रयास किया है। मैं निश्चित रूप से अपनी ओर से क्योंकि यह उद्घाटन सत्र है और उद्घाटन सत्र में बहुत विस्तृत रूप से जो विषय चयन किया गया है इसकी चर्चा संभवतः मुझे लगता है कि और तीन दिन 15-16-17 और तीन दिनों तक विभिन्न सत्रों के माध्यम से इस विषय पर विस्तृत रूप से चर्चाएं होंगी और चर्चा के दौरान बहुत सारे विषय हमारे बीच में आज विभिन्न क्षेत्र से विभिन्न राज्यों से आए हमारे मित्र साथीगण भी उस चर्चा और परिचर्चा में अपना विषय रखेंगे। विषय रखने के साथ साथ कुछ सुझाव भी आएंगे और सुझाव के साथ साथ लोकतंत्र में जिस तरह से सर्वविदित है कि हम सब विश्व के लोकतांत्रिक मानचित्र में भारतवर्ष का एक अच्छा स्थान रहा है और इस स्थान को हम सब कैसे प्रतिष्ठित रूप से पूरे विश्व अपना संदेश दे सकते हैं इस निमित्त इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। जहां तक सवाल है कि लोकतंत्र जब से इस शब्द के संदर्भ में चर्चा और परिचर्चा होती है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अपने भोसले साहब जी ने भी अपने भारतवर्ष के प्रचीतम सभ्यता और संस्कृति का उल्लेख करते हुए उस समय भी किसी ना किसी रूप में प्राचीन काल में भी लोकतंत्र भारतवर्ष में विद्यमान था और उसके संदर्भ में अपने रामायण
रामायण काल का भी उल्लेख अपने पुरुषोत्तम राम जी का जो राज्याभिषेक की जो परिपाटी रही अपने राजा दशरथ जी के संदर्भ में उन विषयों को भी इन्होंने छूने का प्रयास किया। उसी तरह से महाभारत काल में अगर हम लोग चाहेंगे तो कृष्ण जी के जो विषय हैं और उनकी जो जनता जनार्दन है उनके बीच उनके ग्राह्यता को भी उल्लेख किया गया। तो मुझे लगता है कि प्राचीन काल से ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति में निश्चित रूप से लोकतंत्र किसी ना किसी रूप में रहा है, किसी ना किसी रूप में इसका समावेश उस सभ्यता और संस्कृति के साथ अनारत रूप से चला रहा है। और आज जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं इस आधुनिक युग में तो निश्चित रूप से हमारा जो भारतवर्ष का लोकतंत्र है, कहना चाहता हूं कि जो संवैधानिक व्यवस्थाएं, जो संवैधानिक परिपाटी, उसके माध्यम से लोकतंत्र को निर्देशित करने का प्रयास किया जाता रहा। और आज भारतीय संसदीय प्रणाली में भी जहां हर जनप्रतिनिधि सदन में अपनी बात बड़े बखूबी ढंग से रखता है और रखने का एक अधिकार भी उसे है, लेकिन केवल अधिकार के रूप में सभी विषयों को सदन में चाहे जनमानस में रखने का प्रयास जनप्रतिनिधि द्वारा नहीं होता। निश्चित रूप से उनके कर्तव्य भी है और कर्तव्य का भी बोध समय समय पर हम जब चर्चा करते हैं जन जन और मन की बात तो निश्चित रूप से उससे भी जनप्रतिनिधि निर्देशित होती है और इसी के माध्यम से जनता जिस तरह से निर्देशित करना चाहती है उसी परिप्रेक्ष्य में जनप्रतिनिधि भी अपने आवाज को चाहे सदन में हो चाहे जनमानस में हो विषय को रखने का प्रयास निर्देशित होकर करने का प्रयास जनप्रतिनिधि करते हैं। मुझे लगता है कि आज जिस तरह से लोकतंत्र के संदर्भ में चर्चाएं होती है निश्चित रूप से कहना चाहिए कि हर क्षेत्र में हरा से के सुंदर सा प्रक्रिया बनकर उभरा है और उस प्रक्रिया में निश्चित रूप से लोकतंत्र भी हमारा अछूता नहीं। कहीं ना कहीं हम सब या तो इससे प्रभावित हैं ऐसा मुझे लगता है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि इन्हीं विषयों के चलते जनप्रतिनिधियों में भी आपसी संघर्ष शुरू होता है और संघर्ष का परिणाम है कि निश्चित रूप से जिस जगह जिस संस्था चाहे जिस समय और स्थान पर विषय को रखने का प्रयास किया जाता है तो जनप्रतिनिधियों के बीच कटाक्ष विषयों का कड़वापन आना स्वाभाविक होता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में चाहे सदन में हो चाहे अन्य संस्थाओं में हो जहां जनप्रतिनिधियों का विषय को रखने का जो खुला मंच होता है वह निश्चित रूप से एक संघर्ष का वातावरण प्रारंभ होता है। पर भी जनप्रतिनिधि अपने दायित्व के प्रति अपने को प्रेरित मानते हुए इतना जरूर करते हैं कि जो जनता के द्वारा जनता के हित में जो विषय अपेक्षित है उन्हीं संबंधित विषयों के संदर्भ में चाहे संस्था में जनप्रतिनिधियों के द्वारा नियम और उसके
समाधान के लिए कोई कार्य कोई कदम उठाए जाते हैं तो निश्चित रूप से जनमानस के विचारों को समावेश करते हुए कोई भी नियम और कानून बनाए जाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय अटल जी ने सदन में कहा था कि जनप्रतिनिधियों के बीच जनमानस के मुद्दे पर मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंततः जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य जनता के हित में नियम बनाकर राष्ट्र को श्रेष्ठ ऊंचाई तक पहुंचाने का। आजकल आए दिन हम देखते हैं कि जनता के बीच किसी ना किसी मुद्दे पर सरकार के विरुद्ध सरकार के प्रति निराशा का भाव देखने को मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप जनता अपना रोष व्यक्त करती है। रोष व्यक्त करने के सिलसिले में आंदोलन के साथ साथ अलग अलग स्थानों में धरना प्रदर्शन का भी सिलसिला प्रारंभ होता है। सभी जनप्रतिनिधियों को जनता के भाव को समझना चाहिए, ताकि सदन में जब भी कोई बात रखा जाए उसका परिणाम उचित कानून अथवा नियम बनाकर जनता के समक्ष आए। बात यदि हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर करें तो निश्चित रूप से दुनिया के अन्य देश जो हैं, जहां पर लोकतंत्र है स्थापित है, वहां की जनता जिस किसी धर्म या जाति से संबोधित हो, परस्पर एक साथ अपने अपने देश को नित्य नई ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है, वैसे कुछ देशों में जितनी अपेक्षित ऊंचाई चाहे विकास होना चाहिए थोड़ा उसमें अधरता रहता है, ऐसा लोगों का मानना है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय युवा संसद का आयोजन किया गया है और इसी कार्यक्रम के माध्यम से मुझे लगता है कि देश को और विशेषकर जिस राज्य में यह युवा संसद का आयोजन किया गया है, इस राज्य की जनमानस को काफी अपेक्षाएं हैं। जिस तरह से अपने बहने और अपने भाइयों के द्वारा कुछ विषय का उल्लेख किया गया कि पूरे भारतवर्ष के जो 125 करोड़ आबादी है उसमें 65% आबादी युवाओं का है, और निश्चित रूप से युवाओं अगर युवा वर्ग अगर सतर्क और समझदारी से आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से देश में एक नया लोकतंत्र के क्षेत्र में एक नया जागृति आएगी, एक नया सवेरा होगा, ऐसा मुझे लगता है। लोकतंत्र में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र को संख्या बल अर्थात 51 और 49 की जो संख्या तय किया गया उसको 51 और 49 का खेल लोकतंत्र नहीं है, इसको हम सबों को स्वीकार करना चाहिए। और लोकतंत्र मूल रूप से एक नैतिक व्यवस्था है, सदन या संसद कोई कानून की छोटी सी कचहरी भी नहीं है जहां शब्दों का चीर फाड़ की जाए। लोकतंत्र यह एक राजनीतिक मंच है, राजनीतिक शब्द का प्रयोग संकुचित रूप में नहीं विराट रूप में होनी चाहिए, जिस मंच पर देश की 125 करोड़ जनता की आशाएं और कुंठाएं
भी प्रतिबिंबित होनी चाहिए, प्रतिध्वनित होनी चाहिए। संविधान और कानून सबका महत्व है, लेकिन अगर लोकतंत्र एक ढांचा बनकर रह जाए एवं कर्मकांड में बदल जाए, उसकी प्राण शक्ति घटती जाए तो कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। इस प्राण शक्ति को घटने ना देना यह हम सभी की जिम्मेदारी। मैं निश्चित रूप से आज के इस पावन अवसर पर माननीय युवा संसद के द्वारा मुझे लोकतंत्र एवं संघर्ष रोकथाम नामक विषय पर उद्घाटन सत्र में अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं संस्था को साधुवाद देना चाहूंगा। यहाँ उपस्थित सभी युवाजनों के उत्साह को देखकर मैं कह सकता हूँ कि आने वाला भविष्य युवाओं का होगा तथा इस दायित्व को निर्वाह भारतीय युवा संसद बखूबी कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।